नमस्कार दोस्तों, दिवाली के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज पूरे भारत में, पूरी दुनिया में सूर्य ग्रहण के बहुत चर्चे हो रहे हैं और इससे जुड़ी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि आपका सिर चकरा देगा। जैसे कि सूर्य ग्रहण के दिन खाना नहीं खाना चाहिए, न ही खाना बनाना चाहिए, देखना तो छोड़िए किसी भी गर्भवती महिला यानी प्रेग्नेंट महिला को उसके आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता। अब सवाल ये उठता है कि ये जितनी भी सारी बातें हैं क्या सच है, इनके पीछे की सच्चाई क्या है, और अगर सच नहीं है तो इसके पीछे का फैक्ट क्या है। इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि क्या ये अंधविश्वास है या इसमें कोई सच्चाई भी है और आपको मानना चाहिए या नहीं, वो भी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। दरअसल बहुत सारे लोगों के मन में ये बात रहती है कि ये राहु केतु जैसा कोई प्रकोप है या कोई ऐसी दैवीय या शैतानी प्रकोप है जो हमारे धरती पर होती है। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, जितने लोग हैं उतने तरह की उनकी विचार हैं, उतने तरह से वो इसको समझते हैं। लेकिन ये बस सिंपल सी इतनी सी बात है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की जो छाया होती है वो हमारे पृथ्वी पर पड़ती है, क्योंकि सूर्य से आने वाली जितनी भी प्रकाश की किरणें होती हैं उनको चंद्रमा रोक लेता है। बस तभी हमको पृथ्वी से, जब हम चंद्रमा चांद सूर्य को देखते हैं तो सूर्य हमें या तो पूरा काला दिखाई देता है या उसका कुछ हिस्सा काला दिखाई देता है, जिसको हम ग्रहण बोलते हैं। बात इतनी सी ही है, लेकिन अब इसको लोग अपने अपने हिसाब से जैसा वो समझते हैं, जैसा वो दूसरों को समझाना चाहते हैं, बताते हैं। सबसे बड़ा अंधविश्वास ये है कि सूर्य ग्रहण के समय, चाहे वो पार्शियल हो यानी आधा ग्रहण हो या पूरा ग्रहण हो, खाना बनाना नहीं चाहिए और बनाए। अब इसके पीछे की सच्चाई देखिए क्या है। होता क्या है कि जब हमारे समाज में कोई अच्छी या बुरी घटनाएं होती हैं तो हम लोग अक्सर अच्छी घटना को जल्दी ही भुला देते हैं, लेकिन किसी भी बुरी घटना को बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं। अब मान लीजिए कभी हुआ होगा ऐसा कि किसी ने आज के दिन खाना खाया हो, उसे हजम ना हुआ हो, उल्टी हो गया हो, या बनाया हुआ खाना अचानक ख़राब हो गया हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन समाज में एक बार कोई बुरी चीज़ हो जाए तो लोग उसे बहुत दिनों तक याद रखते हैं, बस ये उसी का नतीजा है। लेकिन अब साइंटिफिक अगर बात करें तो देखिए, आज के दिन में और किसी और दिन के दिन में बहुत अंतर नहीं होता। हाँ, आज रेडिएशन थोड़ी सी तेज़ होती है, आप डायरेक्ट सूरज को नहीं देख सकते, बस इतनी सी ही बात है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आज के दिन होता है, ये कोई खास अलग नहीं होता है, क्योंकि अगर ये अलग होता तो हमारे ऊपर भी पड़ता है, हमारे खाने के ऊपर पड़ता है, हमारे फसलों के ऊपर पड़ता है, हमारी सब्जियों के ऊपर पड़ता है, जानवरों के ऊपर भी पड़ता है, तो सबको मर जाना चाहिए या तो सबको लकवा हो जाना चाहिए, या सारे जितने भी प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं, चाहे वो इंसान हो जानवर हो, सबके बच्चों को दिक्कत आनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ अफवाह है। और इंडिया को छोड़कर इंडिया के बाहर इस तरह की अफवाह भी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में इस चीज़ को लेकर कितना बड़ा मार्केट बनाया जा रहा है और फालतू का लोगों को डराया जा रहा है। अब दूसरी बात कि सूर्य ग्रहण के समय प्रेग्नेंट औरतों को इसे देखना चाहिए या नहीं, और इसके प्रकाश में जाना चाहिए या नहीं। देखिए, सिंपल सी बात है कि रेडिएशन को, आप ग्रहण को डायरेक्ट ना देखें तो ही बेहतर है, क्योंकि इससे आंखों को खतरा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आज थोड़ा तेज़ होता है, बस इतनी सी बात है। लेकिन जहाँ तक रहा सवाल कि प्रेग्नेंट औरतों से इसका क्या लेना देना है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। कुछ लोगों का कहना यह है कि इन्हें लकवा भी हो जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत बात है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि हमने आपसे पहले ही कहा कि आज के दिन के रेडिएशन में और बाकी दिनों के रेडिएशन में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम है, अगर थोड़े बहुत रेडिएशन की इंटेंसिटी में फ़र्क को हटा दिया जाए तो। यानी कि आप इसको इस तरह से नहीं ले सकते कि अगर आज कोई बाहर जाता है या बाहर से कोई अंदर आता है तो अगर उस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो उसको कोई नुकसान होगा। ये सब बातें फालतू की हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज के दिन पूरी दुनिया में आपको बहुत सारे विकलांग दिखते और बहुत सारी औरतों को जो कि घर से बाहर निकलकर काम करती हैं, या जैसे कि कोई मजदूर हुआ या फिर किसी दूसरे एनिमल की बात कर ले जो फीमेल है, ऐसे में सबके बच्चों को दिक्कत होनी चाहिए थी, और ऐसा कभी नहीं होता।